पांच मिनट की कहानी, 15 साल पुरानी, एक गोली, एक जिंदगी, एक योगी और एक था माफिया। उस दिन अगर योगी के साथ ईश्वर न होते तो आज योगी हमारे बीच न होते। वो मूछों वाला माफिया लिख चुका था गोली पर योगी का नाम। सांसें रुक जाती हैं जब भी हम ये कहानी पढ़ते हैं, सोचते हैं हे ईश्वर, अगर तुम न होते तो उस दिन मूछ वाला माफिया क्या करता। बारिश का मौसम था, बारिश के बाद सड़कें सूख चुकी थी। तेज रफ्तार से योगी का काफिला बढ़ रहा था। एक शेर को गीदड़ों के झुंड ने घेर लिया। सोचा था 35 साल की योगी की सांसें थाम लेंगे, लेकिन मुख्तार का प्लान फेल हो गया। 2007 गोरखपुर दंगे के बाद से ही मूछ वाला माफिया और योगी आमने सामने हो चुके थे। 2008 आते आते देश विरोधी ताकतें मजबूत होने लगी। योगी ने इस बात की आशंका जताई कि आजमगढ़ में बहुत बुरा होने वाला है। हालांकि इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो ऐलान हुआ बाबा योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू युवा वाहिनी के समर्थकों के साथ आजमगढ़ जाएंगे। आजमगढ़ रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में योगी आदित्यनाथ मुख्य वक्ता थे। 7 सितम्बर 2008 की सुबह गोरखपुर मंदिर से 40 वाहनों का काफिला आजमगढ़ के लिए रवाना हुआ। काफिले में योगी की लाल रंग की एसयूवी 7वें नंबर पर थी। गीदड़ों को पता था योगी 7वें नंबर की एसयूवी में बैठे। ये वही लाल रंग की एसयूवी थी। कहते हैं जिसे खुदा बचाए उसे कौन मार सकता है। काफिला आजमगढ़ पहुंचने से पहले टकिया नाम की जगह पर रुका। एक बड़ा अधिकारी देवदूत बनकर योगी के पास पहुंचा। योगी से कहता है, एक मिनट अकेले में बात करनी है। योगी अधिकारी के साथ दूर जाते हैं। वो कान में कहता है, आपको मारने की प्लानिंग है, आप पर जानलेवा हमला होने वाला है। उसने पहले ही योगी को आगाह कर दिया। योगी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक योगी नहीं हम सारे योगी। अधिकारी ने कहा, आप जाएं रैली करें, लेकिन प्लानिंग अब हमारी होगी, सुनिए। अब काफिला आगे बढ़ा। गेस्ट हाउस से फिर 40 गाड़ियां और सैकड़ों मोटरसाइकिल योगी के आसपास होते हुए आगे बढ़ने लगी। बाइक पर बैठे योगी समर्थक पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है लगातार कह रहे थे। तभी अचानक एक पत्थर आया और 7वें नंबर की एसयूवी पे जाकर लगा। ड्राइवर को लगा ये गलती से आया होगा, लेकिन कुछ सेकंड में ही पत्थरों की बरसात होने लगी। मोटरसाइकिल वाले इधर उधर होने लगे। पूरी सड़क को घेर लिया गया। चारों ओर से सिर पे टोपी पहने लोगों ने काफिले को निशाना बना लिया। योगी के सुरक्षा कर्मियों ने मौके को भांप लिया, रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ कंट्रोल नहीं हुई तो गोली चलानी पड़ी और उस गोली में एक आदमी की जान चली गई। लेकिन उधर से भी गोली चलाने और गोला छोड़ने की तैयारी थी, लेकिन तब तक एक बड़ा खेल हो गया। इतना बड़ा खेल कि उन गीदड़ों को पता ही नहीं चला। मोटरसाइकिल वाले जा चुके थे, गाड़ियों का काफिला बिखर चुका था। पत्थर और हथियार लिए कुछ मूछ वाले माफिया के सहयोगी और समर्थक योगी की तलाश शुरू कर देते हैं। योगी कहाँ है, योगी को पकड़ो, देखो निकल न जाए। यहाँ जो हुआ आप जानकर कहेंगे जाके रखो साइया, मार सके ना कोई। उस गेस्ट हाउस में अधिकारी ने योगी के कान में जो कहा था वो हम आपको अब बताते। उसने कहा था, योगी जी आप 7वें नंबर की एसयूवी में ना बैठकर हमारी गाड़ी में बैठ जाएं। काफिले की पहली गाड़ी में योगी को शिफ्ट किया गया। ये बात उन गीदड़ों को पता नहीं चली। यहाँ तक कि ये बात योगी समर्थकों से भी छुपाने की कोशिश की गई। ये काम बेहद ही गुपचुप तरीके से किया गया। उस अधिकारी ने कमाल कर दिया और देश के साथ योगी समर्थकों को मिल गया एक ऐसा योगी जो न किसी से डरता है, न झुकता है, न ही हारता है। क्योंकि उस दिन अगर मूछ वाले माफिया की गोली और पत्थरों पे अगर यमराज ने नाम योगी का लिखा था तो योगी के साथ चल रहा अधिकारी देवदूत बनकर योगी के पास बैठा था। लोग कहते हैं अगर उस दिन मूछ वाले माफिया ने योगी से पंगा ना लिया होता तो आज वो जेल में ना होता, वो व्हील चेयर पे ना होता। ये कहानी आगे बढ़ी। आज बहुत कुछ बदल चुका है। योगी की जान लेने वाले दुश्मन अपनी जान के लिए परेशान हैं और कहते हैं माफ कर दो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।